एक ऐसी विचित्र दुनिया जहां पे सिंगल लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर किसी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है या उसकी डेथ हो गई है तो आपके पास सिर्फ 45 दिन है एक और पार्टनर ढूंढने का। अगर इन 45 दिनों में आप एक पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको एक जानवर में तब्दील कर दिया जाएगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। इस मूवी का नाम है द लॉबस्टर। मूवी शुरू होती है और हम मूवी के लीड कैरेक्टर डेविड को देखते हैं जिसे उसकी वाइफ छोड़कर चली गई है और अभी वो सिंगल है। सोसाइटी के नियम के हिसाब से यहाँ सिंगल लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट सीन में डेविड को कुछ लोग एक अनजान होटल में लेकर जाते हैं जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 45 दिन अपना पार्टनर चुनने के लिए। और वहाँ डेविड की तरह और भी लोग होते हैं जिनको या तो उनकी पार्टनर छोड़ के चली गई है नहीं तो उनकी डेथ हो गई है। उन्हें यहाँ आए हुए सिंगल लोगों में से अपना पार्टनर चुनना होगा और अगर वो अपना पार्टनर 45 दिनों में नहीं चुन पाते हैं तो उन्हें उनकी पसंद के जानवर में तब्दील कर दिया जाएगा। एंड गाइस, पार्टनर चुनने का एक कंडीशन भी है कि उन्हें ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिनके साथ उनका कुछ सिमिलैरिटी हो, मतलब 36 के 36 गुण मिलना चाहिए, नहीं तो आप अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते। Okay. डेविड के पास एक डॉग होता है और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि असल में वो डॉग उसका भाई है जो कुछ साल पहले इस होटल में आया था पर उसे उसका पार्टनर नहीं मिला था तो उसे एक डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर डेविड से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है और उसको उसका रूम अलॉट कर दिया जाता है। फिर डेविड के रूम में होटल की मैनेजर ओलिविया आती है और उसे पूछती है कि अगर वो अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो कौन सा जानवर बनना पसंद करेगा। तो डेविड लॉबस्टर को चुनता है क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल 100 साल से भी ज्यादा होती है और डेविड को समुंदर भी काफी पसंद है। इसके बाद ओलिविया उसे होटल के कुछ रूल्स बताती है जैसे कि डेविड को उनके हिसाब से कपड़े पहनने होंगे और वो वहां सिर्फ अपोजिट जेंडर को ही अप्रोच कर सकता है, सेम जेंडर को नहीं। जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चुन लेता तब तक वो कोई भी पार्टनर वाला गेम नहीं खेल सकता, ओनली सिंगल वाला गेम ही खेल सकता है। एंड ऑल्सो वो होटल में मास्टरबेट नहीं कर सकता पर होटल की मेड्स के साथ इंटीमेट हो सकता है। बट यहाँ एक फनी चीज ये थी कि मेड्स उन्हें बस एक्साइट करके क्लाइमैक्स से पहले ही छोड़कर चले जाते थे ताकि लड़कियों के ऊपर उनका इंटरेस्ट बना रहे। अगले सीन में हम डेविड को लंच करते हुए देखते हैं जहाँ वो दो आदमी से मिलता है जिनका नाम था बेन एंड जॉन। वो भी डेविड की तरह ही सिंगल होते हैं और यहाँ अपने लिए पार्टनर ढूंढने आए होते हैं। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि उस होटल से कुछ लोग भाग भी गए थे क्योंकि उन्हें जानवर में कन्वर्ट नहीं होना था। जितने भी सिंगल लोग इस होटल से भागे थे वो पास के एक जंगल में ग्रुप बना के छुपके रहते थे। इस ग्रुप का नाम है लोनर ग्रुप। होटल अथॉरिटी हर दिन हॉन्टिंग ऑर्गेनाइज करवाती है जहाँ पे उस होटल के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें भागे हुए सिंगल्स को मारना पड़ता है। इस हंटिंग से एक फायदा ये होता है कि ये लोग लोनर ग्रुप के जितने भी लोगों को मारेंगे उन्हें उतना एक्स्ट्रा डेज मिल जाएगा। एक दिन हंटिंग पे जाते टाइम हम लोग डेविड के बगल में आश्ले नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास काफी कम टाइम बचे हुए थे। वो डेविड को उसका पार्टनर बनने के लिए अप्रोच करती है बट डेविड मना कर देता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि अगर लास्ट डे तक उसे अपना पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि उसे एक जानवर में कन्वर्ट नहीं होना है। एक दिन जॉन स्विमिंग पूल में जेसिका नाम की एक लड़की को अप्रोच करता है जिसके नाक से हमेशा खून निकलता रहता था। अब क्योंकि जॉन और उसके बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं थी इसलिए जॉन अपने आप को चोट पहुंचाता है और उसके नाक से भी खून बहने लगते हैं। ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद जॉन को भी उसके ही जैसा बीमारी है और दोनों पार्टनर बनने के लिए ये सिमिलैरिटी काफी है और उन्हें एज ए कपल घोषित कर दिया जाता है। What the fuck is going on here? इसके बाद या तो जॉन अपने आप को चोट पहुंचाता था नहीं तो शर्ट में केचप या रेड स्टेन लगाता रहता था ताकि उसके पार्टनर को लगे कि उसके नाक से भी खून निकल रहा है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं पर डेविड को उसके जैसा सिमिलर पार्टनर नहीं मिलता। अब उसका मुलाकात एंजेलिका नाम की एक लड़की से होता है जो बिल्कुल ही हार्टलेस या इमोशनलेस थी, मतलब उसके सामने कोई इंसान भी मर जाए लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। ये देखकर डेविड के दिमाग की घंटी बजती है और वो सोचता है कि इमोशनलेस होने का प्रिटेंड करना आसान है और इस तरह उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। एक दिन हम देखते हैं कि आश्ले का 45 दिन पूरा हो जाता है और वो होटल से नीचे कूद के अपनी जान दे देती है। उसके ठीक सामने ही एंजेलिका बैठ के कॉफी पी रही थी पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। तभी डेविड उसके पास आता है और इमोशनलेस होने का प्रिटेंड करके कहता है कि अच्छा हुआ मर गई साली। अब ये देख के एंजेलिका को लगने लगता है कि डेविड भी उसके ऐसा इमोशनलेस है, इसीलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए चोक होकर मरने का नाटक करती है पर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और एंजेलिका काफी इंप्रेस हो जाती है और उन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं एंजेलिका को उसके ऊपर शक था इसलिए अगले ही दिन वो उसके डॉग यानी उसके भाई को मार देती है और उसका रिएक्शन देखती है। अपने सामने अपने भाई को मरा हुआ देखकर डेविड रो देता है और एंजेलिका को पता चल जाती है कि डेविड ने उसे झूठ बोल के शादी किया है। फिर वो डेविड को पकड़कर होटल अथॉरिटी के पास शिकायत करने जाती है मगर रास्ते में डेविड एक मेड की मदद से उसे बेहोश कर देता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में लेकर एक जानवर में बदल देता है। अब उस मेड ने उसकी मदद क्यों की हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद डेविड होटल से भाग जाता है और जंगल में जाके उस लोनर ग्रुप से मिलता है जिसकी लीडर थी लिया और वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों लोनर ग्रुप के भी कुछ नियम होते हैं जैसे कि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का प्यार या फ्लर्ट नहीं कर सकते
अगर ये करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। लिया को प्यार से सबसे ज्यादा नफरत थी और उसे लगता था कि ये बस एक दिखावा है। हमले के टाइम अगर किसी के जान पर बन आती है तो वो सिर्फ अपना जान ही बचाता है, वो किसी का मदद नहीं करता या कोई उसका मदद नहीं करता। लिया डेविड से कहती है कि अगर उसे ग्रुप में रहना है तो उसे उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जिस पर वो राजी हो जाता है। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि होटल की मेड जिसने डेविड की मदद की थी वो भी इस ग्रुप से मिली हुई थी, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका था और वो उसे छोड़ना चाहती थी, मगर इससे वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी एक पार्टनर चुनने के लिए 45 डेज होटल में रहना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो हर रोज छुपके से जंगल में आके लिया को होटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती थी और उन्हें काफी सामान भी सप्लाई करती थी। इसके बाद हम फिर डेविड को देखते हैं जिसका मुलाकात उस ग्रुप की एक लड़की रेचल से होती है और उसे पता चलता है कि वो भी उसकी तरह शॉर्ट साइटेड है, मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, और ये चीज दोनों में कॉमन थी, इसलिए डेविड का उसके साथ एक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर्स हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी में जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेते हैं, लेकिन एक दिन अचानक एक पुलिस वाला को डेविड के ऊपर शक हो जाता है और उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने कहता है। तब रेचल आकर उसे बचा लेती है ये कहकर कि मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर रात के वक्त ये लोग होटल पर अटैक करते हैं जिसमें मेड भी इनकी हेल्प करती है, और वो सबसे पहले होटल के मैनेजर्स को टारगेट करते हैं। वो उसके हस्बैंड को गन पॉइंट में रखकर उसे ओलिविया को शूट करने के लिए कहते हैं, और अपनी जान बचाने के लिए वो गांडू अपनी वाइफ को शूट भी कर देता है, पर गन खाली होता है तो वो बच जाती है। दोस्तों, लोनर ग्रुप का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें सच दिखाना था कि उनकी रिलेशनशिप कितनी फेक है। इसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं और ओलिविया अपने हस्बैंड के ऊपर एकदम आग बबूला हो जाती है। इसी बीच डेविड जॉन से मिलता है और जेसिका से कहता है कि जॉन को कोई भी बीमारी नहीं है, उसने उसे झूठ बोला था कि उसके नाक से खून बहता है, जिससे जेसिका काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो अपने कैंप में वापस आ जाते हैं और उसी रात मेड भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, डेविड और रेचल एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वो लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि ग्रुप के मेंबर्स को उनके ऊपर शक ना हो, और बीच बीच में जंगल के अंदर जाके इंटीमेट भी होने लगते हैं। वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अचानक एक दिन लिया को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाती है, क्योंकि रेचल डेविड के साथ उसके रिलेशन को एक डायरी में लिखी होती है और वो डायरी लिया को मिल जाती है। उसे काफी गुस्सा आता है, मगर वो इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। एक दिन वो रेचल को डॉक्टर दिखाने के बहाने हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें ठीक हो जाएगी और उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगेंगे, मगर डॉक्टर की मदद से वो उसे अंधी कर देती है ताकि डेविड के साथ उसका और सिमिलैरिटी ना रहे। जब रेचल को इसके बारे में पता चलती है तो वो एकदम से पागल हो जाती है और उसके ऊपर हमला करती है, मगर लिया के बदले वो उस मेड को मार देती है। जब डेविड को इसके बारे में पता चलती है तो वो काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि दोनों का प्लान था कि यहाँ से भाग के सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ जीना, मगर ये अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में अब कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। गुस्से में डेविड कहता है और मौका देखकर लिया के ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश करके बांध के एक कब्र में फेंक देता है, जहाँ कुछ जंगली कुत्ते आके उसे डिनर कर लेते हैं। इसके बाद डेविड रेचल को वहां से भगाकर ले जाता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ डेविड एक चाकू मंगवाता है, क्योंकि उससे भी अंधा होना था, ताकि दोनों के बीच में फिर से सिमिलैरिटी आ जाए और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वो वॉशरूम में जाके अपने आंख में चाकू घोप के अंधे होने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ कांपने लगते हैं और हमें रेचल को दिखाया जाता है जो कि डेविड के इंतजार में बैठी हुई थी, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी द लॉबस्टर की पूरी कहानी। फिल्म के एंड में हमें ये पता नहीं चलता कि क्या डेविड ने खुद को अंधे करने में कामयाब हुआ या नहीं, बट इसका जवाब हमें फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जहां हमें समुद्र की लहरों को दिखाई जाती है। तो मेरे थ्योरी के हिसाब से डेविड खुद को अंधे करने में नाकामयाब हुआ था, और क्योंकि अब उसके और रेचल के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो उसे वापस होटल में ले जाया गया और उसकी पसंद के एनिमल एक लॉबस्टर में बदल दिया गया और समुद्र में छोड़ दिया गया। इसीलिए मूवी के अंत में हमें समुद्र का एक झलक दिखाया जाता है। दिस इज माई थ्योरी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस मूवी से हमें एक और सीख भी मिलती है कि कैसे आजकल हम अपने पार्टनर में बस कुछ सिमिलैरिटीज देख के उन्हें पसंद कर लेते हैं, प्यार और ट्रस्ट को अहमियत नहीं देते हैं, जिसके बाद हम एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जिससे निकलने के लिए हमें काफी मुसीबतें उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2015 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10, और मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है और मुझे उसकी कहानी काफी पसंद आई। मैं एक बार ये मूवी देखने के लिए आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर मूवी की कोई बात आपको अच्छी लगी या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास 45 सेकंड में पहुंच जाए, ना कि 45 दिन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड प्लीज गेट वैक्सीनेटेड।